हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे आयरन एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे मतलब पूरे MBBS पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं पढ़ना ही पड़ेगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बंदे को आना चाहिए। तो आप इसे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? आप इसे फिजियो में पढ़ेंगे, फिजियो में कहाँ पे है? अनीमिया के अंदर। आप इसे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आप इसे फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि जब अनीमिया होता है तो हम ड्रग्स देते हैं, तो उससे रिलेटेड ड्रग्स वाला पोर्शन। एंड आप इसे पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ओके? तो फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, पैथो, आप इसे चारों जगह पढ़ते हैं और इन फ्यूचर आप आगे भी पढ़ेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन मतलब दिस इज रिलेटेड टू अनीमिया, और अनीमिया किस में होता है? लेडीज़ में ज़्यादा होता है, ओके? तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये आना ही चाहिए। तो देखिए, आप इसे जब पैथो में पढ़ेंगे या फिर जब आप इसे फिजियो में पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे अनीमिया, और अनीमिया आप तीन टाइप से डिवाइड करते हैं कि अनीमिया कौन कौन सा होता है, ओके? ओके, तो अनीमिया तीन टाइप का होता है। अनीमिया पहला वाला होगा अनीमिया ड्यू टू, पहला वाला अनीमिया क्या होता है? अनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। एक दूसरा होता है हीमोलाइटिक अनीमिया, और तीसरा होता है अनीमिया ड्यू टू डिक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन, रेड सेल्स या फिर आरबीसी प्रॉपर मात्रा में बन नहीं पा रही है। तो ये तीन रीजन होते हैं अनीमिया के। तो आयरन एब्जॉर्प्शन दिस इज रिलेटेड टू आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ओके? तो अनीमिया आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, पैथोलॉजी में पढ़ते हो, ओके? और अनीमिया का ट्रीटमेंट कहाँ पढ़ोगे आप? फार्मा में। तो आपको फार्मा में भी ये टॉपिक मिलेगा। मतलब ओवरऑल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे, ओके? तो आई होप आपको आना चाहिए। तो कोई ना, चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला कि आयरन हम खाना खाएंगे, फूड इंटेक करेंगे, और फूड में आयरन होगा, और वो आयरन हम इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कराएंगे। तो मुझे यहाँ पर इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई डायग्राम बनाना पड़ेगा, कॉमन सी बात है। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ड्यूडिनम वाला पार्ट, क्योंकि ड्यूडिनम वाले पार्ट से ही हमारे आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, ओके? या फिर बोल दीजिए अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट से या फिर ड्यूडिनम से ही आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ ड्यूडिनल एपिथीलियल सेल। तो दिस इज ड्यूडिनल एपिथीलियल सेल, और ये क्या है? विलाई किस पोर्शन में होंगे? ल्यूमेन वाली साइड में, जो हमारी गट की ल्यूमेन होती है, उस साइड विलाई होंगे ना। तो ये है विलाई, तो ये विलाई हो गए। अभी मैंने यहाँ पे गैप क्यों छोड़ा है? क्योंकि यहाँ पे होते हैं ट्रांसपोर्टर्स, जो कि आयरन को सेल के अंदर डालते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं मतलब, ओके? तो मैंने ये यहाँ पे एक सेल बना दी है हमारे इंटेस्टाइन की, ओके? दिस इज़ द ड्यूडिनल एपिथीलियल सेल। तो कोई ना, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? दिस इज ड्यूडिनल, दिस इज ड्यूडिनल एपिथीलियल API, मतलब दिस इज ड्यूडिनल एपिथीलियल सेल, या फिर बोल दीजिए म्यूकोसल सेल, ओके? अब ये सेल बना दी, अब हमने क्या किया? फूड इंटेक किया। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? फूड से। तो कोई बंदे ने खाना खाया, तो मैं यहाँ बोल लिख रहा हूँ डाइट्री आयरन। तो DIETARY, डाइट्री आयरन। तो यहाँ लिखा मैंने डाइट्री आयरन, मतलब हमारे खाने में जो आयरन है उसे बोलते हैं डाइट्री आयरन। तो हमारे जो फूड में जो डाइट्री आयरन होता है, वो होता है टू फॉर्म। कौन सी? एक होगा हीम आयरन, एक होता है नॉन हीम आयरन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हीम आयरन, तो मैं एक लिख रहा हूँ HEME, हीम आयरन, और एक कौन सा होता है? नॉन हीम आयरन। इन दो फॉर्म में होता है हमारा डाइट्री आयरन, ओके? फूड में इन टू टाइप्स में आयरन होता है। अब हीम आयरन कैसा होता है आपको बताऊंगा, हीम आयरन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ये बनाया, आप हीम की स्ट्रक्चर देखना, हीम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी ही दिखेगी आपको, ओके? इसीलिए ऐसा ड्रॉ किया है, ओके? तो ये हो गई, ये वाला हो गया हमारा हीम आयरन। इसके बीच में ये रेड क्या है? ये है Fe, ये चारों तरफ है ना, ओके? तो ये बीच में रेड है Fe। उसके बाद होता है नॉन हीम आयरन, जो कि होता है इनऑर्गेनिक आयरन, मतलब डायरेक्ट Fe+3। तो दिस इज Fe+3, या फिर हम डाइट्री में डायरेक्ट Fe+2 भी ले सकते हैं, अभी बताएंगे। तो नॉन हीम आयरन बोल दीजिए, या बोल दीजिए इनऑर्गेनिक आयरन, एक ही बात है, इनऑर्गेनिक आयरन, IRON, ओके? तो इनऑर्गेनिक आयरन हो गया, ओके? अब देखिए, अब ओके ही हो गया। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को सेल के अंदर भेजना है,
हीम आयरन को भी, नॉन हीम आयरन को भी। तो अब सेल के अंदर कैसे जाएगा, तो देखिए एक बात ध्यान रखना, Fe+3 डायरेक्ट सेल को क्रॉस नहीं करता है, मतलब Fe+3 के लिए डायरेक्ट कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता है। तो अब क्या करें, तो क्या करना पड़ता है हमको, Fe+3 को Fe+2 में चेंज करना होता है। तो पहले Fe+3 एक चीज़ के थ्रू Fe+2 में चेंज होगा, मतलब क्या होगा, रिडक्शन, मतलब Fe+3 का रिडक्शन होगा और ये चेंज होगा किस में, Fe+2 में। तो ये हो गया हमारे पास Fe+2, तो दिस इज Fe+2, और फिर उसके बाद Fe+2 सेल के अंदर इंटर करता है, किसके सेल के अंदर, ड्यूडिनल एपिथेलियल सेल के अंदर, और हीम डायरेक्ट ही एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल के अंदर इंटर कर जाएगा। ओके, Fe+3 डायरेक्ट इंटर नहीं कर सकता ड्यूडिनल एपिथेलियम सेल के अंदर। ओके, ये हो गया। अब मतलब क्या कि हीम को इंटर कराना है और Fe+2 को इंटर कराना है, तो इन दोनों के इंटर के लिए यहाँ पे क्या होंगे, एक ट्रांसपोर्टर होगा, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगी। अब वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन कौन सी होती है, वो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में यहाँ बना रहा हूँ गोल गोल, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यहाँ बना रहा हूँ, दिस इज़ फॉर हीम आयरन, दिस इज़ फॉर Fe+2। ओके, तो हीम आयरन इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू अंदर आ गया ड्यूडिनल सेल के अंदर, और Fe+2 इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू अंदर आ गया। तो चलो इनको अंदर भेज देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हीम आयरन जो कि ड्यूडिनल सेल के अंदर आ गया, और ये हो गया हमारा नॉन हीम आयरन या फिर इनऑर्गेनिक आयरन, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा हीम आयरन। देखिए मैं ये ऐसे ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ, हमने एक वीडियो बना रखी है कैसे हम हीम आयरन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे आप देख लेना। तो हम कुछ उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी ही होती है, इसीलिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और रेडेट क्या है, ये है Fe। ओके, ये हो गया। अब मैंने Fe+3 को Fe+2 में रिडक्शन कराया, तो देखिए इसके रिडक्शन के लिए यहाँ पे क्या होता है, साइटोक्रोम बी, आपको पता होगा ना, साइटोक्रोम बी मतलब Fe+2 में रिडक्शन किसके थ्रू होता है, साइटोक्रोम बी के थ्रू, साइटोक्रोम बी या फिर बोल दीजिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, या तो होता है साइटोक्रोम बी CYT मतलब साइटोक्रोम बी, या फिर होता है स्टीप 3 STEAP। ओके, तो ये दो प्रोटीन होती हैं जो कि Fe+3 के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर इन दोनों प्रोटीन के पास क्या होता है, इन दोनों प्रोटीन के पास फेरी रिडक्टेज एक्टिविटी होती है। फेरी मतलब Fe+3, दिस इज फेरस, Fe+3 यानी कि दिस इज फेरिक, Fe+2 यानी कि दिस इज फेरस, दिस इज फेरिक, दिस इज फेरस, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दिस इज IC, दिस इज फेरिक एंड दिस इज OUS, यानी कि दिस इज फेरस। ओके, तो इसमें क्या होगी, फेरिक रिडक्टेज एक्टिविटी, मतलब फेरिक को रिडक्शन करेगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इसके रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर जो कि Fe+3 के रिडक्शन के लिए, मतलब Fe+3 के रिडक्शन में हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं, तो उनको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रिडक्शन, REDUCTION। ओके, तो यहाँ पे Fe+3 का रिडक्शन हो गया, और इसके लिए कुछ और भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक एसिड, जो एसिड होता है वह हमारे Fe+3 के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिड का होगा स्टमक में ऑफकोर्स, यस यस। एंड सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो कि ये भी Fe+3 के रिडक्शन को प्रमोट करते हैं। ओके, एंड तीसरा क्या होगा, मीट यानी कि चिकन, जो नॉनवेज खाता है, तो चिकन क्या करता है, ये हमारे स्टमक में एसिड सिक्रीशन को इंक्रीज कराता है। तो मीट क्या करेगा, एसिड सिक्रीशन को इंक्रीज कराएगा, और जो ये इंक्रीज एसिड सिक्रीशन है, ये Fe+3 के रिडक्शन को हेल्प करता है, मतलब Fe+3 के रिडक्शन में हेल्प करता है। तो ये तीन और ये दोनों, साइटोक्रोम बी एंड STF3 प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन्स और ये तीनों, ये सारे के सारे पांचों के पांचों क्या करते हैं, Fe+3 के रिडक्शन में हेल्प करते हैं, इनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती हैं। तो फाइनली हमारा आयरन कहाँ गया, ड्यूडिनल सेल के अंदर। ओके, ये हो गया, पूरी बात हमने कर ली, यहाँ पे क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। ओके, अब देखिए यार, एसिड अगर Fe+3 के रिडक्शन को प्रमोट कर रहा है, तो जो बेस होगा वो क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, कॉमन सी बात है। ओके, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि Fe+3 के रिडक्शन को प्रमोट करते हैं, और कौन कौन से इसे इनहिबिट करते हैं। ओके, तो ये सारे पांचों के पांचों, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो फाइनली हमारा आयरन अंदर आ गया। अब क्या होता है, ये आयरन या तो स्टोर होगा या फिर कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर। ओके, देखिए यहाँ पे सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या कि ये वाला पोर्शन क्या है, इस वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन है ल्यूमेन,
ये पूरा ल्यूमेन है, उसके बाद ये क्या है, दिस इज जुडिनल एपिथेलियल सेल, और इसके बाद इस साइड क्या होगा, इस साइड होगा पूरा का पूरा ब्लड, तो इस साइड होगा ब्लड। तो अभी हम हमारे जो GIT की ल्यूमेन है उससे हम आयरन कहाँ लिया है, सेल के अंदर। अब सेल के बाद या तो ये आयरन स्टोर होगा या फिर कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर। अब स्टोर कैसे होगा, तो देखिए आयरन का स्टोर, आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है, आयरन होता है फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर। ओके, तो हमें अब क्या करना है, आयरन को स्टोर कराना है या फिर हमें उसे ब्लड में भेजना है। ओके, तो Fe+3 अंदर आ गया, अब ये आयरन क्या होगा, स्टोर कराना है। तो इसको हम आगे एरो करते हैं और यहाँ पे मैंने गोला कर दिया, ये हो गया, दिस इज फेरिटिन। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं फेरिटिन, FERRITIN। ओके, तो ये हो गया फेरिटिन। तो आयरन हमारे फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और देखिए वही हीम आयरन भी, मतलब दोनों के दोनों, हीम आयरन भी और नॉन हीम आयरन भी या फिर इनऑर्गेनिक आयरन भी, दोनों के दोनों फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे या फिर ये हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ओके, मतलब इसके मतलब सेल के आने के बाद आयरन के पास दो चांस हैं, मतलब जो नॉन हीम और हीम और नॉन हीम आयरन है इनके पास दो फातवे हैं ड्यूडिनल सेल में आने के बाद, या तो ये ड्यूडिनल सेल में स्टोर हो जाएंगे या फिर ये ब्लड को चले जाएंगे। तो ये हो गया, तो उसके बाद या तो ये जाएगा ब्लड को और या फिर ये स्टोर हो जाएगा। उसी तरह से जो Fe+2 है, सॉरी मतलब जो नॉन हीम आयरन है, या तो ये स्टोर हो जाएगा या फिर ये ब्लड को चला जाएगा, जो या फिर ये ब्लड को चला जाएगा, मतलब ब्लड में चला जाएगा। ओके, तो इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा तो इसे वापस सेल को क्रॉस करना पड़ेगा, और वापस सेल को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन होना चाहिए, तभी उसी के थ्रू तो जाएगा। ओके, तो या तो ब्लड को जाएगा या फिर स्टोर हो जाएगा, या तो स्टोर हो जाएगा या ब्लड को जाएगा। अब ब्लड में जाने के लिए यहाँ पे जो प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का भी एक नाम है, देखिए इनके नाम है, इस प्रोटीन का भी नाम है, इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, तो अभी नाम हम बताएंगे एक साथ। तो इस प्रोटीन के थ्रू जो ये आयरन है ये कहाँ चला गया, ब्लड में। तो अब ये आयरन आ गया हमारे ब्लड में, किस फॉर्म में, Fe+2 फॉर्म में। तो ये आयरन यहाँ पे आ गया Fe+2 फॉर्म में। ओके, तो ये आ गया फेरिटिन, और ये फेरिटिन फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टोर, देखिए आयरन का आयरन स्टोर होता है फेरिटिन फॉर्म में, और जब आयरन के जब फेरिटिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फेरिटिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, फेरिटिन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोलते हैं। ओके, तो देखिए या तो आयरन होगा फेरिटिन फॉर्म में स्टोर, और जब फेरिटिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फेरिटिन के मॉलिक्यूल्स ही आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, हीमोसिड्रिन। मतलब हमारे बॉडी के अंदर आयरन टू फॉर्म में स्टोर होता है, टू फॉर्म कौन से, तो उनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक होता है फेरिटिन, जो कि यहाँ लिख दिया FERRITIN, या तो आयरन होगा फेरिटिन फॉर्म में स्टोर, और ये फेरिटिन के मॉलिक्यूल्स ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, हीमोसिड्रिन। मतलब फेरिटिन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और कुछ और चीज़ भी इसमें जुड़ती है, और वह सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हीमोसिड्रिन, HEMOSIDERIN। ओके, तो इन टू फॉर्म में हमारा आयरन बॉडी में स्टोर होता है। ओके, ये हो गया, तो आयरन स्टोर हो गया एंड आयरन ब्लड में चला गया, क्योंकि सेल में आने के बाद इसके पास दो दो वेज है, दो रास्ते हैं, या तो ब्लड में जाएगा। हाँ, तो देखिए वही कि या तो ये आयरन हमारा जो हीम आयरन है, नॉन हीम आयरन है, या तो ये फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, देखिए ये फेरिटिन में स्टोर हो रहा है, फेरिटिन में स्टोर हो रहा है, या फिर ये हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। तो ब्लड में जा रहा है और ये ब्लड में जा रहा है। अब क्या होता है कि जो ड्यूडिनल एपिथेलियम सेल होती है, इसका एक फिक्स लाइफ स्पेन होता है, इसकी फिक्स लाइफ होती है, वो लाइफ होती है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन बाद क्या है, ड्यूडिनल एपिथेलियल सेल अपने आप डेथ हो जाएगी। अगर ये सेल डेथ हो गई तो इसके अंदर जो फेरिटिन फॉर्म में आयरन स्टोर है ये भी ख़त्म हो जाएगा, हमें इसका भी लॉस हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसके फेरिटिन के नीचे एरो लगा रहा हूँ, और एरो को कर रहा हूँ ल्यूमेन साइड, क्योंकि डेथ होने के बाद सेल ल्यूमेन में तो जाएगी। ओके, तो एरो लगाया नीचे, ल्यूमेन साइड किया, मतलब क्या कि अब क्या है, इसका डेथ हो गई सेल की। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लाइफ स्पेन कितना होता है, 2 to 4 days। जो ड्यूडिनल एपिथेलियम सेल है इसका लाइफ स्पेन होता है 2 से 4 दिन, और क्या होगा, शेड इनटू गट, म्यूकोसल लाइनिंग
शेड इनटू गट। अगर जो ये सेल्स है ये हमारे गट में मतलब शेड हो गई तो हमारे आयरन का भी लॉस हो गया। तो क्या हुआ, फेरिटिन का लॉस हो गया। तो इस प्रोसेस को मतलब 2 से 4 दिन बाद ये सेल डेथ हो रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं और उस टर्म का नाम है फेरिटिन कल्टिन। ओके, तो आयरन का लॉस हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, फेरिटिन, FERRITIN, फेरिटिन कल्टेंस, CURTAIN। ओके, तो फेरिटिन कल्टेन, फेरिटिन कल्टेन क्या होता है, ओके समझ गया, फेरिटिन कल्टेन, और हमारे फेरिटिन का लॉस हो गया। ओके, ये हो गया, और ये कहाँ जाएगा फिर, ये हमारे फीसेस में जाएगा, मतलब FACES, क्योंकि देखिए ना ये पूरी पूरी ल्यूमेन, ये पूरी की पूरी ल्यूमेन ही तो है, इंटेस्टाइन ल्यूमेन। ओके, ये हो गया। अब हमें आयरन हमने Fe+2 कहाँ भेज दिया, ब्लड में। अब यहाँ की बात कर, देखो पूरा काम हो गया, फाइनली हमने इसको बाहर निकाल दिया बॉडी से। इधर की बात करते हैं, अब Fe+2 है। अब क्या होता है, Fe+2 ये डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो पहले क्या करना पड़ता है हमें, Fe+2 का ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। तो इसके ऑक्सीडेशन के लिए भी यहाँ पे एक प्रोटीन होगी, मेम्ब्रेन प्रोटीन, उसका मतलब ब्लड में प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हेप्सिन।